यह आदमी इस राक्षस का मुंह पर से लोहे का मास्क हटाता है और मधुमक्खी का छत्ता इसके मुंह में डाल देता है और वहां से लड़का भागकर पत्थर के पीछे जाकर छुप कर देखने लगता है राक्षस अब खड़ा हो जाता है और छटपटाने लगता है और पत्थर से जाकर टकरा जाता है अब राक्षस छटपटाते हुए पहाड़ के आखिरी छोर पर आ जाता है तभी उसका मुंह में से मांस निकल जाता है और एक मधुमक्खी उसे परेशान कर रही है और बाकी के सारे मधुमक्खी राक्षस खा चुका है और तभी उस मधुमक्खी के चक्कर में पहाड़ के आखिरी छोर पर से राक्षस नीचे गिर जाता है तभी बाकी सारे राक्षस भी लतर वाले पेड़ के सहारे पहाड़ पर से नीचे आने लगते हैं ये लड़का पानी में देखता है तो बहुत सारे राक्षस आसमान से नीचे आ रहे थे तभी यह लड़का अपने घोड़ा लेकर वहां से भागने लगता है